तो आज खाने में मेरी अम्मा ने चिकन विनेगर बनाया था, जिसको बेसिकली हम लोग घर में सिरके वाली मुर्गी कहते हैं, लेकिन मैंने बड़ा अंग्रेजों वाला नाम लिया है। और कसमें, यू गाइस मस्ट हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। मतलब सबसे सिंपल और सबसे इजी है। तो मतलब जब वो बना रही थी तब तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकी, लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ उन्होंने कैसे बनाया। सिंपल, आपने चिकन लेना है, उसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, उसमें एक कप सिरका, काली मिर्च और नमक डाल के उसको अच्छी तरह गला लेना है, दैट्स इट। और साथ उसके रायता, सलाद, मतलब सारों के साथ जो है ना, इतना मजे का लगता है कि मतलब कि यू गाइस हैव टू ट्राई दिस। तो खैर, कुछ फाइनल शॉपिंग रहती थी जिसमें एसेंशियल बेबी प्रोडक्ट्स और मतलब जैसे ये जो बेबी का हॉस्पिटल बैग बनाना होता है ना, ऑल दैट स्टफ। और क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं अभी क्या लेना होता है, तो मैंने जो है ना इतने दिनों से बैठ के पिंटरेस्ट के ऊपर से जो है ना वीडियोस डाउनलोड कर करके उसके अंदर से मतलब देख देख के क्या क्या चीजें जरूरी है, मैंने पूरी लिस्ट तैयार की हुई थी। और अगर मैं अकेले गई होती ना तो मैं ये लाजमन ले लेती, लेकिन क्योंकि मैं इन लोगों के साथ थी तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं खरीदने देना था ये। तो खैर, एनीवेज, आज मैं एक बात सोची थी तो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। आई जस्ट मेट माय फ्रेंड द अदर डे एंड शी वाज माय यूनिवर्सिटी फेलो एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ कितनी एंजॉय की है। मतलब यार, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे वी एंजॉयड द बेस्ट वी कुड, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है। एंड आई बिलीव 90% ऑफ द टाइम द हैप्पीनेस इन योर मैरिड लाइफ डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू गाइस हैव बीन डूइंग। ओह खैर, उसके बाद हमने रात को शॉपिंग के बाद बाबू के ढाबे पे खाना खाया, और यार इतना मजे का खाना है इनका। लोकेशन मेरे से ना पूछना, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनका बारबेक्यू प्लेटर कमाल। और ये बड़ा देसी टाइप रेस्टोरेंट है, इतना फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है। तो खैर यार, मैं वो एक बात कर रही थी, मेरा सब लोगों को ये मशवरा है कि यार आप अपनी हरकतें सीधी रखो, मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, क्योंकि वाकई यार हमारी सोसाइटी में लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों को पड़ता है। तो मैं जो घुमा फिरा के बात करना चाह रही हूँ ना, वो बेसिकली ये है कि यार यूनिवर्सिटी के अंदर आप जितना अवॉइड कर सकते हो ना उतना अवॉइड करो। डजंट मैटर कि लोग आपको कहें कि यार ये तो बड़ी एटीट्यूड में रहती है हर वक्त, अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखने चाहिए बंदे को कि आप किसी को इतना फ्री ना कराओ। मैं इस टॉपिक के ऊपर ना ऑन एंड ऑन बोल सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे अपना शॉपिंग हॉल दिखाना था। और ये वो सारी शॉपिंग है जो मैं बता रही थी कि यार ऑफ सीजन शॉप करने के ऊपर आपको कितना फायदा होता है। और मैं तो बाय चांस जिस टाइम पे आई उस टाइम सीजन एंड हो रहा था और हर तरफ सेल्स लगी हुई थी। तो आई वुड 100% रिकमेंड यू गाइस कि यार ऑफ सीजन शॉपिंग करनी चाहिए, आपको इतना फायदा होता है, लाइक 50% फ्लैट डिस्काउंट हर तरफ। और मैंने इतनी शॉपिंग की है ना मुकीत की कि लाइक वो अब पूरा साल उनको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने कुछ लेना है भी नहीं। और दरमियान में मैंने अपनी भी शॉपिंग किया ये सोच के कि यार इंशाल्लाह एक दिन मैं इस साइज पे वापस आ जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन है जिसमें मैं खूब होटलिंग कर रही हूँ, उसके बाद तो मैंने ऐसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे आ जाना है ना। और ना समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है ये बातें कर करके मैं खुद अपने दिल को तसल्लियां दे रही हूँ कि यस इंशाल्लाह आई विल बी बैक इन माय वेट। और अभी दो दिन पहले की बात है, वो मसाज वाली मेरे कमरे में आई और ये फोटो देख के कहती ये आप हो, मैं उससे इतनी नींद में बैठी हुई थी, मैंने कहा हाँ, कहती आपने तो माशाल्लाह सही सेहत पकड़ ली है। और कसमें एक सेकंड के अंदर मेरी पूरी नींद उतर गई। दो मिनट बाद कहती कि नहीं नहीं ये तो सारी स्वेलिंग है, ये तो फौरन उतर जाएगी इंशाल्लाह, मैंने कहा बस अब यही बात। ये मैंने अपनी दोनों माओ को लगाया हुआ था। तो खैर यार, मैं बता रही थी कि यू शुड एंजॉय योर प्रेगनेंसी जर्नी, क्योंकि फिर तो आपने सारी जिंदगी डाइटिंग ही करनी होती है। डाइटिंग इन अ सेंस कि यार फिर तो हम देख के ही खाते होते हैं ना अपनी कैलोरीज काउंट कर करके। मुझे भी टेंशन होती है समटाइम्स अपने वेट की बहुत ज्यादा। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद माय हस्बैंड एंड ही सेड कि यार ऐसा कोई तरीका है कि आपका प्रेगनेंसी में वेट गेन ना हो, तो वो तो हम कर लेते हैं, जब तरीका है ही नहीं तो फिर टेंशन किस बात की। तो खैर, फिर वो बात मेरी समझ में आ गई एंड आई एक्सेप्टेड द रियलिटी, क्योंकि सच में मैंने अपने सामने इतनी सारी लड़कियों को देखा है कि जो लाइक मेरे से भी ज्यादा स्लिम थी आफ्टर हैविंग अ बेबी, इवन आफ्टर हैविंग सी सेक्शन। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाद में बहुत ज्यादा वेट गेन किया, बट ट्रस्ट मी, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिन लोगों से आप इंस्पायर होते हो, जिन लोगों से आप सीखते हो और जो चीज आप करना चाहते हो ना वो आप कर लेते हो। माशाल्लाह, मैं सिद्दीकी जाऊं। तो खैर, मेरी ये सारी बातें बिल्कुल अनबायस्ड होती है, नो ऑफेंस टू एनीवन। थैंक यू, बाय।